जहन दोस्तों, हम लगातार बात कर रहे हैं कि हमें क्या एमएसपी मिलेगी, क्या हमारी तनख्वाहें बढ़ेंगी, क्या हमारी पेंशन बढ़ेगी, क्या हमारे भत्ते बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा लगता है कि जो भी कुछ बढ़ेगा वो हमारे में से ही दे दिया जाएगा। यानी आप समझ सकते हो कि भारतीय सेना की लगातार कटौती, एक हमारी फौज को काटने का पता नहीं क्यों इतना भारी शौक आ गया, मेरे को तो समझ नहीं आता। आपको मालूम है कि कोरोना काल में 3 साल भर्ती नहीं की फौज ने कि भाई इन्फेक्शन ना आ गया। हर साल 60,000 लड़के हमारे रिटायर, 1,80,000 फौज आप काट चुके हैं, बहुत पैसा लग रहा है, बाकी जगह इनको पैसा नहीं लगता। यानी 1,80,000 सैनिक कम हो चुके हैं। क्या इस देश को पढ़िए कि भारतीय सेना के जवानों की कटौती कर रही, उन जवानों की जिसको भारत का कम से कम 4,000 किलोमीटर बॉर्डर देखना है। 9 देशों का बॉर्डर पड़ता है, 7 का समुद्री बॉर्डर हटा दें तो 7 देशों का आप समझ सकते हो जमीनी बॉर्डर है, जिसपे भारतीय सेना ने उसकी सुरक्षा करनी है। और सबसे ज्यादा बॉर्डर है जहां पर अरुणाचल हिली एरिया, J&K हिली एरिया, जितना चाइना से बॉर्डर लगता है, पंजाब राजस्थान छोड़ दो, सारा हिली एरिया है। और जहां पर कठिन है लड़ाई, और कठिन लड़ाई में आप लगातार सेना को कम इसलिए कर रहे हो कि आपका पैसा बच जाए, और आप अपनी GDP का 1.5 से 1.6 लगाते हो, और बाकी देश लगभग 3% लगाते हैं। रसिया 7% लगा रहा है, जो कि लड़ाई में वहां पर सैनिक नहीं मिल रहे, और आप सेना को लगातार कम कर रहे हो, अग्निवीर के जरिए कम कर रहे हो, कुछ और चीजें लगातार कम कर रहे हो। आपको लग रहा है कि कम सेना होगी तो हमारा बजट सुधर जाएगा, हमारे पैसे बच जाएंगे, और ये सारी बात कर रहे हैं जनरल GD बख्शी साहब। मुझे बहुत दुख होता है, पहाड़ों की लड़ाई में आपको मैन पावर, आपकी लड़ाई सारी पहाड़ों, चीन के साथ हाई एल्टीट्यूड की लड़ाई, जम्मू कश्मीर पूरा हिल्स और जंगल है, वहाँ बहुत मैन पावर की जरूरत होती है। आप अपना GDP का 1.5-1.6% आप लगा रहे हो, बाकी देश जो है 2% के ऊपर वो लगा रहे हैं, 3% के ऊपर, रशिया तो 8% अपना GDP का लगा रहा है क्योंकि वो लड़ाई के अंदर है। अग्निवीर की भर्ती कितनी हो रही है, 43,000, आप लगातार कम करे जा रहे हैं। जो हमेशा हमेशा एक न्यूट्रल होके भारतीय सेना के पक्ष में अपनी बेबाक राय रखते हैं, क्योंकि उन्होंने जमीन पर झेला है, तकलीफ झेली है, सेना के अंदर की तकलीफ देखी है, लेकिन आज उन नेताओं को आगाह कर रहे हैं, आज देश के उन प्रमुखों को आगाह कर रहे हैं कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है, और भारतीय सेना के साथ लगातार इस तरीके का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, जो कि आप इनका वीडियो देख सकते हो। और सारा जब आप सेना के जवानों को कम करते तो सेना के अंदर प्रेशर होता है, और आज एक जवान से लगा करके जनरल तक प्रेशर में है, दबाव में है, और कितना बड़ा दबाव आप समझ सकते हो कि सीमाओं की रक्षा का दबाव है, जवानों को छुट्टी नहीं मिल पा रही है, जवान कितने अंदर परेशान है, प्रीमेचर आपने बंद कर रखा है, बहुत सारी स्ट्रेंथ है, बहुत सारे लोग हैं जो अंदर ही अंदर और छोड़ करके बाहर आना चाहते हैं, उनकी समस्याएं। अब सेना मजबूर है कि वो बोल नहीं सकती, लेकिन आपको इस बात को शर्म आनी चाहिए, वो सीधे सीधा नेताओं को कर रहे हैं कि आप सेना के पीछे पड़े हो। अब आज हम बात कर रहे हैं कि ये सैनिकों को 8वां वेतन आयोग देंगे, सैनिकों की ORP 3 देंगे, या सैनिकों को ये चीज देंगे। लगातार सैनिकों के पैसे और मैन पावर में कटौती हो रही है, और ये स्पष्ट कह रहे हैं, और सामने ये बात दिख रही है। आप डिसेबिलिटी को लेकर देखो, नए नियम हुए, हर जगह ऐसे नियम लगाए जा रहे हैं। आप बहुत सारा जो बदला हुआ है पिछला 2023 में 22 में आपने कोरोना काल के बाद देखे हो, सबसे बड़ी एक ही चीज है उनके दिमाग में कि ऐसी चीजें कम की जाए, देखिए बजट किया जाए। जब आप दूसरों की पार्टियां तोड़ते हो, नेता खरीदते हो, इतना पैसा चुनाव में बर्बाद कर देते हो, आप कहते हो पैसा नहीं है, आप अपनी GDP का बढ़ाइए ना, 3% दीजिए, 4% दे दिए, और सेना की सारी समस्याएं हो जाए, हल हो जाएंगी। लेकिन नहीं, ये नहीं चाहते, ये आपको 1.5 दे करके ही आपकी स्ट्रेंथ कम करके, आपके ऊपर काम बढ़ा के, आपको प्रेशर डाल के ही ये आप पैसा देना चाहते हैं। ये है असलियत। धन्यवाद दोस्तों।